वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माई YouTube चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को रीड कर हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट है द नंबर 42 इज रिटन एज एक्स 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 आई आई इन रोमन न्यूमेरल्स। इस स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि 42 को रोमन नंबर में इस तरीके से लिखा जाता है, ये फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है कि रोमन नंबर में कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। यहाँ पर देखिए एक्स कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये फॉल्स है। 42 को लिखा जाता है किस तरीके से, 42 एक्स एल 1 1 एक्स एल 42। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ सी इज 100 इन रोमन न्यूमेरल्स। 100 की वैल्यू सी होती है रोमन न्यूमेरल्स में, ये ट्रू है, तो यहां लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी द नंबर 85 इज रिटन एज सी एक्स एक्स वी इन रोमन न्यूमेरल्स। 85 को रोमन न्यूमेरल में सी एक्स 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 वी की तरह लिखा जाता है, ये फॉल्स है, क्योंकि सी 100 होता है, 10 सी और 10 110, 120, 130 और ये 135, इसकी वैल्यू होगी 135 और यहाँ पे क्या है 85, ये फॉल्स है। 85 को रोमन न्यूमेरल्स में लिखा जाता है एल एक्स 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 वी, एल की वैल्यू 50, एक्स की वैल्यू 10, 50 और 10, 60, 70, 80, 85। ओके, कम टू द नेक्स्ट डी द नंबर 95 इज रिटन एज एल सी वी इन रोमन न्यूमेरल्स। 95 को रोमन न्यूमेरल्स में हम एल सी वी लिखते हैं, ये फॉल्स है। को लिखा जाता है रोमन न्यूमेरल्स में एक्स सी वी, सी की वैल्यू 100, 100 में से 10 माइनस हुए, यदि स्मॉलर सिंबल को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है बिगर सिंबल के तो वैल्यू कम हो जाती है, तो 100 में से 10 माइनस हो गए 90 और ये 595। ओके, कम टू द नेक्स्ट एक्स एक्स आई एक्स स्टैंड फॉर 10 प्लस 11 प्लस 10, ये ट्रू है फॉल्स, ये फॉल्स है। क्योंकि एक्स एक्स आई एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 10 प्लस एक्स की वैल्यू 10 प्लस आई एक्स की वैल्यू 9। ओके, कम टू द नेक्स्ट एक्स एक्स वी आई इज लेस देन एक्स एक्स आई वी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो 26 है, एक्स 10 10 20 और ये 6, 26 लेस देन है, कम है 24 से, तो ये फॉल्स है, क्योंकि 26 इज मोर देन 24।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट रोमन न्यूमेरल्स डू दीज नंबर्स रिप्रेजेंट. मींस इस क्वेश्चन में जो नंबर दिए गए हैं उनको हम रोमन न्यूमेरल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो इन नंबर्स को हमें रोमन न्यूमेरल्स में राइट डाउन करना है. टू का फर्स्ट ए 109, 109 को रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है. तो 100 को लिखते हैं हम सी और 9 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 IX. तो रोमन न्यूमेरल्स में 109 को लिखेंगे CIX. ओके, कम टू द नेक्स्ट 75. रोमन न्यूमेरल्स में 75 को रिप्रेजेंट करना है L50, 10, 50 और 10, 60, 70 और ये 5, 75. इसी तरीके से 38, 10, 10, 10, 38. अब 8 राइट डाउन करना है, 8, 38. 92 को रोमन न्यूमेरल्स में रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले 90 कैसे लिखते हैं, C X C ऑफ 2, 1, 1. 92 यदि किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट हैंड पर हम कोई छोटा सिंबल लिखते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. तो 100 में से 10 माइनस हुए 90 और ये 2, 92. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स. इस क्वेश्चन में जो रोमन न्यूमेरल्स दे रखे हैं इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट है थर्ड का ए LIV. इसकी वैल्यू होती है L फॉर 50 और ये 1V, यानी 1V क्या है, ये 4, 54. इसकी वैल्यू हो गई 54. इसी तरीके से नेक्स्ट बी CX, C फॉर 100, X फॉर 10, मीन्स 110. इसकी वैल्यू हो गई 110. नेक्स्ट CLXXX, L फॉर 50, X फॉर 10, 50 और 10, 60, 60 और 10, 70, 70 और 10, 80. तो इसकी वैल्यू हो गई 80. नेक्स्ट इज LXV. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, L की वैल्यू L फॉर 50, X फॉर 10, 50 और 10 कितनी हो गई 60 और ये 5, 65. एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है. वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.